नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश सैनी। मेरी चैनल पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी के लिए शुभकामना, शुभेच्छा। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, आपको ऐसा लगता है आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज़ आपको प्राप्त करनी है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये काम, ये चीज़ प्राप्त करना असंभव है। आपके जीवन में कोई भी चीज़ का अभाव है, आप मेहनत करते हैं, वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है। दोस्तों, आज जो उपाय शेयर करता हूँ, ये उपाय आप लगातार 7 दिन करें, कोई भी दिन से शुरू करें, मगर लगातार 7 दिन उपाय करें। दोस्तों, असंभव को भी संभव में परिवर्तित करने वाला ये उपाय है। श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, 7 दिन प्रयोग करें। बाद में थोड़ा इंतजार करें। नहीं आपका काम बन रहा है तो दूसरे महीने दोबारा 7 दिन ये प्रयोग करें। दोस्तों, पहले ही 7 दिन ऐसे होंगे जो आपके काम बिगड़ चुके हैं या तो बनते नहीं हैं, आपको जो चीज़ चाहिए वो प्राप्त नहीं होती है, तो वो सभी काम बनने चालू हो जाएंगे। जो चीज़ का आपके जीवन में अभाव है, वो चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ अब अवश्य मिल सकती है। 7 दिन में ये सफलता ना प्राप्त कर सके तो दूसरे महीने 7 दिन आप ये प्रयोग अवश्य करें। कोई भी दिन से शुरू कर सकते हैं दोस्तों प्रयोग। शर्त एक ही है, शराब नॉनवेज से दूर रहे। ये सभी उपाय पवित्र है और प्रभावी है। बहने अशुद्धि के दिनों में ये प्रयोग करना टाल दें। दोस्तों, 7 धान्य ले। 7 धान्य जिसे कहते हैं सतनाचा, सम मात्रा में ये सभी चीजें आपको लेनी है। एक एक मुट्ठी लेते हैं तो सभी चीजें एक एक मुट्ठी ले। जो भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा ये पहला वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। पास वाली सबसे ऊपर वाली ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाए, परिवार से जुड़ जाए। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बिना भूले भगवान राम का नाम आप अवश्य लिखे। जय श्री राम लिखे बिना आप चैनल छोड़ के नहीं जाएंगे, वीडियो को बंद नहीं करेंगे। भगवान राम का नाम आप अवश्य लिखेंगे। सम मात्रा में 7 धान्य ले। चावल, मूंग की हरी दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, गेहूं, उड़द की काली दाल और बाजरी, ये सभी चीज़ें एक एक मुट्ठी आप मिला दें। उनका आटा तैयार कर दें। घर में आपके जो मिक्सर है उनमें उसका आटा तैयार कर दें। हर दिन सुबह में ये जो आपने आटा तैयार किया है 7 धान्य का, उनकी रोटी बनाइए। रोटी के ऊपर तेल और घी का प्रयोग ना करें। शहद, मध जो मधुमक्खी इकट्ठा करती है वो वाला मध, छोटी वाली उंगली से रोटी के ऊपर थोड़ा शहद लगा दें। दोस्तों, बरगद का पेड़ आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। वट वृक्ष आजू बाजू कहीं भी देखे, मंदिर में है, कोई गार्डन में है, कहीं भी है,
नहीं तो कोई भी हरा वृक्ष हो, हरा पेड़ हो, बड़ा हो, कांटा वाला नहीं होना चाहिए, कांटे वाले पेड़ के नीचे ये प्रयोग ना करें। हो सके तब तक आप बरगद के पेड़ के वड़ वृक्ष के नीचे ही ये प्रयोग करेंगे। रोटी लेके वहाँ वड़ वृक्ष के नीचे बरगद के पेड़ के नीचे जाइए। रोटी के 7 टुकड़े करें, बरगद के पेड़ की चारों ओर आप प्रदक्षिणा करें, घूमना है। आपका जो भी काम बन नहीं रहा है वो काम पूरा होने के लिए, पूरा करने के लिए आप मन ही मन प्रार्थना करें। जो पेड़ के अंदर शक्ति है वो शक्ति का सहारा ले आप। एक चक्कर लगाया, एक टुकड़ा रख दे, दूसरा चक्कर लगाया, दूसरा टुकड़ा रख दे, ऐसे 7 चक्कर लगाएंगे, 7 टुकड़े रखेंगे। हाथ जोड़ के बरगद के पेड़ को प्रार्थना करें कि मेरा ये काम अटक गया है, कृपा करें, दया करें, मेरे बिगड़े हुए काम बन जाए, आप आशीर्वाद दें, आप सहाय करें। 7 दिन प्रयोग करके देखें दोस्तों, जो भी काम बिगड़ चुका है आपका, जो भी काम बनते नहीं है, जो भी चीज़ का आपके जीवन में अभाव है दोस्तों, सभी काम बनने लगेंगे। बस दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप सभी मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम।